रतन सूत्र नंबर 5। रतन सूत यानी महामृत्युंजय सूत या महामृत्युंजय सूत्र नंबर 5। यंग बुद्ध सेठो परिवन्नी सुचिंग समाधिमान नंतरिक कई माहु समाधिना तेन समो ने विज्जति इदंपि धम्मे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। यंग बुद्ध सेठो परिवन्नई सुचिंग, यंग माने जो, बुद्ध सेठो माने बुद्ध में श्रेष्ठ, जो बुद्ध ने श्रेष्ठ बताया। परिवन्नई, वर्णने का मतलब होता है वर्णीय यानी प्रशंसनीय, परि माने पूरी तरह से प्रशंसनीय, सुचिंग माने होता है बिल्कुल पवित्र, यानी कि बुद्ध ने जो श्रेष्ठ जिसको प्रशंसनीय बताया, जिसको शुद्ध बताया। समाधि मानंतरिक अय्य माहु, समाधि मानंतरिक अय्य माहु, समाधि अंतरिक यानी समाधि में आनंतरिक का मतलब है बिना अंतर के लाभ देने वाला। अई माहु का मतलब है, आहू का मतलब है कहा गया, ऐसा उचाव ऐसी बात कही गई कि समाधि बिना अंतर के, यानी कि आपने इधर समाधि लगाई, आप सम्यक समाधि में इधर बैठे और जैसे ही आप बैठते हैं वैसे ही आपको फायदा होना शुरू हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल आप सिंपल सा जीवन में समझ सकते हैं कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है अपने परिवार पे, अपने बच्चे पे, अपने घर पे, अपने नौकर पे, चाकर पे, अपने मालिक पे, अपने दोस्त पे, अपने कुलीग पे, अपने आप पे, या हालात पे या स्थिति पे, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप कहीं भी कोई भी जगह कहीं भी आप तुरंत बैठ जाइए और बैठने के बाद में अपने आप को देखना शुरू कीजिए सम्यक तरीके से, और आप अपने गुस्से को जैसे ही आप देखना शुरू करेंगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आपके देखते 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 जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे वो शांत होता चला जाएगा, अगर सम्यक समाधि है तो। और अगर आपने समाधि लगाई और समाधि में आपने जिस कारण से गुस्सा आया उस कारण को बढ़ाना शुरू किया तो फिर असम्यक समाधि हो जाएगी, वो आपको नुकसान भी दे सकती है। तो समाधि बिना अंतर के आपको लाभ देती है अगर वो सम्यक है और सही तरह से लगाई गई है, ऐसा बुद्ध ने जो बताया इसको श्रेष्ठ। समाधिना तेन समो ने विजति, यानी समाधिना तेन समो, समाधि के समान कोई भी ने विजति नहीं विद्यमान है बताया जाता है, यानी बुद्ध ने जिस समाधि को श्रेष्ठ बताया, पवित्र बताया और जिसकी प्रशंसा की और जो समाधि तुरंत लगाते ही लाभ देती है ऐसा बताया गया, ऐसा कहा गया है, और जिस समाधि जैसा कोई भी विद्यमान नहीं है, जानकारी में नहीं है कि समाधि जैसा कोई भी ऐसा है। इदंपि धम्मे रत्नंग पणितंग, इदंपि धम्मे रत्नंग यानी यह भी धम्म के रत्न में सबसे श्रेष्ठ बात है, श्रेष्ठ रत्न है। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, इस सच्ची बात से सभी का कल्याण हो, सभी का स्वस्थ्य हो, सभी स्वास्थ्य हो, सभी हेल्दी हो, जितने भी उस महामारी में प्राणी हैं, जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, सभी स्वस्थ हों। ये है रतन सूत्र नंबर 5। इसमें समाधि की श्रेष्ठता बताई गई है, यानी कि हर सूत्र में कहीं समाधि का श्रेष्ठ बताया हुआ है, कहीं धम्म का, कहीं निर्वाण पद का। जो उस समय अच्छी अच्छी बातें थी, उस समय सबसे अच्छी बातें यही थी, आज भी यही है, मगर अभी लोगों की जानकारी से निकली जा चुकी हैं, धीरे धीरे वापस आ रही हैं, लोगों को समझ आ रहा है। खासतौर से जो लोग अब एकांत में रह रहे हैं उनको ये समझ में आता है कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और वही है जो पहले से चली आ रही है। ये है रतन सूत्र नंबर या महामृत्युंजय सूत्र नंबर 5। धन्यवाद।